आनंद साहिब गुरुद्वारा जो काफ़ी बड़ा है और जैसा कि कुछ ही दिन पहले मुझे मौका मिला गुरुद्वारा जाने का और गुरुद्वारे का नाम था आनंद साहिब गुरुद्वारा, जो बहुत ही अच्छा था मन की शांति के लिए। आप यहाँ आ सकते हैं, अंदर पाठ वगैरह हो रहे थे, वहाँ के वीडियो को पहले ना बना थे तो मौसम मैंने नहीं लिए क्योंकि रूल्स हमें हर जगह के मानने चाहिए। ये पानी आता रहता है। चलो बच्चों, हेलो, ऊपर देखो, ऊपर चलो, अंदर आ जाओ। ये पूरा इसी का पार्ट होगा वहाँ तक, जहाँ तक गुरुद्वारे दिख रहे हैं सब। अच्छा, इतना बड़ा है और यहाँ लंगर होता है, मतलब प्रसाद होता है खाने के रूप में, सुबह शाम की चाय और नाश्ता होता है। यहाँ गेस्ट हाउस और रेस्ट हाउस भी बने होते हैं, जहाँ जो दूर दूर से लोग आते हैं रुक भी सकते हैं, उसका कोई चार्ज भी नहीं होता। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है दोस्तों कि गुरुद्वारा में सिर ढक के ही आना होता है। अगर आप घर से रुमाल, चुन्नी, दुपट्टा कुछ नहीं लाए हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर आपको एक कपड़ा सर ढकने के लिए मिल जाएगा। बस गुरुद्वारा पहली बार जाने का मौका मिला। गुरुद्वारा के आसपास के गांव से, शहर से, दूर से भी काफ़ी लोग ट्रक भी भर भर के भी मैंने आते हुए देखे यहाँ बैसाखी के मेले देखने के लिए और गुरुद्वारा देखने के लिए। देख के बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड्स झूले लग रहे हैं यहाँ, मेले भर रहे हैं। आनंद साहिब गुरुद्वारा होकर आए हैं, बहुत अच्छा लगा।